जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। ये पार्ट टू है आपका पंचवर्षीय योजना का। हमारा टारगेट है कि पंचवर्षीय योजना इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि जो आपको बर्डन फील होता है, ठीक है कि सर ये टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, आपको वो बहुत ही ईजी लगे और हंसते हंसते इस चीज़ों को आप याद कर पाओ। एक और चीज़ देखिए, पूरा का पूरा, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पीडीएफ का, अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ दिया गया। अगर इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे तो इसका भी आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, सियोर सिलेक्शन जो आपका ग्रुप है, ठीक है। और बहुत लोग पूछे थे सर उससे जुड़ना कैसे, तो नीचे लिंक है, ठीक है, नीचे लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे। देखिए ये स्पेशली हम इसलिए बता रहे हैं कि इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियोस पे ये कमेंट था, तो नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चले जाओगे और व्हाट्सएप सेव कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप पे साइंस के क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है। और वहां जो जो है प्रोसीजर करके आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप बिहार दरोगा, अगर आपको निकालना है, मैं इंश्योर करता हूं आपको, ठीक है, अगर आपने उतना कर लिया, सिक्वेंस वाइज वीडियो पीडीएफ हर एक चीज दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपको कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। क्या छोड़ना है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस आपको उतना कंप्लीट करना है, उसको मल्टी टाइम रिविजन करना। अगर आपने उतना कर लिया और प्रैक्टिस सेट हम निकालने वाले हैं, ठीक है, उस पर काम चल रहा है, और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। बाकी मार्केट में भी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो है आपका इक्वली बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूँ, स्टेटस के क्वेश्चन मिस मत कीजिए। आज का जाके देखिए विटामिन पे क्वेश्चन डाला था और एक्सप्लेनेशन सिंपली फेबुलस, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन उसका लिखा जाता है, जाके साइंस का देखना, बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जो फाइव ईयर प्लान है पूरा का पूरा 5 वीडियोस इकोनॉमिक्स में हो चुका है, आप कंप्लीट कर लेना, और जो जो सब्जेक्ट हो चुका है, ज्योग्राफी का बेहतरीन तरीके से पूरा करवा दिया गया, जो 12 नंबर आपका कन्फर्म है वहां से, ठीक है। अब देखिए जो पंचवर्षीय योजना है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, 5 पंचवर्षीय योजना हमने आपको पढ़ा दिया, आज हम लोग 6 पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे, प्लस पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पंचवर्षीय योजना का, तो हमने अभी तक टोटल 5 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो कहां से कहां तक था, 1951 से लेके 1956 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1956 से लेके 61 आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, मैंने जिस तरीके से याद करवाया था। तीसरा कब आया था, तो तीसरा जो आया था 1961 से लेके 66 तक। इसके बाद क्या हुआ था, योजना अवकाश आया था, 3 साल का योजना अवकाश आया था, जो कि 66 से लेके 69 तक चला था, 3 साल का योजना अवकाश आया था। मैंने आपको बताया था कि योजना अवकाश जो है, जो आपका हॉलीडे जो प्लान है वो कैसे याद रखना है, हॉलीडे प्लान क्या था ये मैं पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो 1961 से 66 तक था। उसके बाद चौथा जो था, क्योंकि 66 से 69 तक क्या होता है आपका 1 ईयर का प्लान चलता है, जिसको आप प्लान हॉलीडे बोलते हो या योजना अवकाश बोलते हो। उसके बाद जो 1969 से लेके 74 तक क्या था आपका, चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और जो लास्ट में जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो हमने किया था वो क्या था आपका, 1974 से आपका 78 तक। मैंने आपको बताया था चलना तो ये चाहिए था, ठीक है, कितने साल आपको चलना चाहिए था, ये 5 साल 79 तक चलना चाहिए था, बट ऐसा पंचवर्षीय योजना जो 5 साल से पहले ही खत्म हो गया था, वो खुद में ही पंचवर्षीय, मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना 5 साल से पहले खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको करवाया था, ठीक है, याद आया। एक बार फिर से हम लोग ये आपको, मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, कि जो योजना अवकाश, जो प्लान होलीडे कब कब आया था, योजना अवकाश क्या था, जब पंचवर्षीय योजना की जगह हम लोग एक एक साल का योजना बनाते थे, तो कैसे हमने याद करवाया था, फिर से याद करो। सबसे पहला जो आपका योजना अवकाश आया था वो कब आया था, तो वो जो आया था आपका तीसरा के बाद आया था, मतलब थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद। यहां देखोगे थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद आपका क्या आया था, पहला आपका योजना अवकाश, पहला आपका होलीडे प्लान आपका आया था, ठीक है, या प्लान होलीडे आया था। देखिए तो सबसे पहले तीसरा के बाद आया था, तीसरा वाला कब से था, 1961 से लेके 66 तक। तो 67, 68 और 69,
ये 3 साल जो था आपका पंचवर्षीय योजना जो था नहीं चला था, एक एक साल का चला था। तो पहला तो ये था। दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, फिर से इसमें 2 आप ऐड कर दो। मैं आज पूरा दिमाग में आपको छाप के जाऊंगा पंचवर्षीय योजना 5th के आगे कैसे कैसे क्या क्या चीज याद रखना। उसके बाद हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जो जो क्वेश्चंस अभी तक दरोगा में हो चाहे बीपीएससी में हो, जो जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए सब क्वेश्चंस हैं यहाँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने बोला तीसरा के बाद पहला आपका जो योजना आपका सा है इसमें फिर से 2 ऐड करोगे तो 7th के बाद क्या होता है, 2 साल का योजना अवकाश आता है। और फिर से आप ये 7 के बाद 2 आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 3 ऐड 2 करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। और 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो योजना अवकाश कब कब आया, तीसरे के बाद आया, 5वां के बाद आया और 7वां के बाद आया। कैसे याद रखना है, तीसरा का पहला था उसमें 2 ऐड किया तो 5वां आ गया, 5वां फिर से 2 ऐड किया तो 7वां आ गया, ठीक है। तो इतना चीज अभी आप याद रखो। अब हम लोग चलते हैं 6th 5-year plan में आपको क्या क्या याद रखना है। अगर हम लोग 6th 5-year plan का बात करें तो सिंपल सी बात है, ये कब से कब तक होगा, 1980 से लेके 1985, मतलब 1980 से लेके आपका 85। अब इसमें क्या 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 याद रखना है और कैसे याद रखना है वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप डेट याद रखोगे, डेट क्या था, 1980 से 1985, दैट मीन्स 1980 से लेके 1985। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है आपका इस बीच का 1980 से लेके 1985 का, वो है आपका 1982। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1982 में 2 बैंक आपका फॉर्मेशन होता है, एक है आपका नाबार्ड, ठीक है, एक है आपका नाबार्ड और दूसरा है आपका एक्जिम, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है आपका नाबार्ड। और दूसरा है एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो 6th 5-year plan में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मैंने बताया, ठीक है, वो है आपका क्या, 2 बैंक के बारे में आपको बताया, एक है आपका क्या नाबार्ड, ठीक है, और दूसरा है आपका एक्जिम, ठीक है, 1982। तो 1982 आपको याद रखना है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 2 डेट आपको यहां एक ही डेट पे 2 चीज याद रखना है, एक याद रखना है आपको नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड 1982 में फॉर्म हुआ, एग्जैक्ट डेट याद रखेगा 12 जुलाई 1982 को फॉर्म हुआ, और किसके रिकमेंडेशन पे, कौन से कमिटी के रिकमेंडेशन पे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो शिव रमन कमिटी के रिकमेंडेशन पे याद रखेगा, शिव रमन कमिटी के रिकमेंडेशन। दूसरा आप 1982 में क्या याद रखोगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो था वो भी आपका 1982 में बना था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ट्राइसेम, ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं ट्राइसेम, इसको क्या है, ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग ऑफ ए रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिर से ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम, ये वर्ड याद रखना, ट्राइसेम आपको सिंपल लिखा हुआ आएगा, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ये कब आया, तो 1979 में आया। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसे याद कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखेगा जो इंदिरा गांधी होती है उनका देहांत भी इसी प्लान के थ्रू, इसी प्लान में हो जाता है, तो होता है 1984 में इनका देहांत हो जाता है, ये भी चीज याद रखेगा। और जो आपका, आपको मैंने पहला करवाया था कि जो पहली बार जो नेशनलाइजेशन होता है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, कब होता है, तो 1969 में होता है, कौन से 5-year plan में, 4th 5-year plan में, ठीक है, 4th 5-year plan का टाइम पीरियड याद करो क्या था, क्या था, 1969 से 74, इसीलिए तो 5th 5-year plan का क्या था, 74 से 78, ठीक है। और फिर से क्या चला था आपका, 2 साल का योजना अवकाश चला था, मैंने बताया था 5th 5-year plan के बाद, यहां देख लो 5th 5-year plan के बाद 1970 से 78, 2 साल का फिर से आपका योजना अवकाश चला, जिसको गुन्नर मीडर मॉडल पे था, ठीक है, 2 साल का चला, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ है आपका कि 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, तो जो पहला नेशनलाइजेशन किया गया था वो 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था, जो कि 4th 5-year plan में किया गया था 1969 में। तो 1969 से मैंने 2 चीज करवाया था, पहला क्या, इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, 4th 5-year plan, दूसरा मैंने आपको करवाया था कि 1969 में ही क्या हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। और दूसरा नेशनलाइजेशन आपका कब हुआ, तो वो हुआ आपका 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे कैसे रखना है, डेट तो खैर आपको याद ही होगा क्योंकि सीक्वेंस में है, तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, तो डेट क्या था, 1980 से लेके 85, मतलब 1980 से लेके 85। सबसे पहले देखो, सबसे पहले याद पूछा जाएगा कि ट्राइसेम, तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ
फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, मतलब रूरल मतलब होता है गांव वाला, तो गांव वाला अगर आप एरिया में रहते हो, अगर आपके पास अगर आप यूथ हो, ध्यान से एक एक चीज आपको लगेगा कि सर क्या करवा रहे हैं। फिर से कहता हूं, विश्वास रखो मैं वही करवा रहा हूं, उस तरीके से करवा रहा हूं जो चीज हमने कर रखा है और जिससे चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है। एज ए टीचर जाऊंगा तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, फिर आप फिर रटते रहोगे। ट्राई से मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहला तो ये पूरा अच्छे से याद रखना। अब देखो, अगर आप एक यूथ हो और रूरल वाला एरिया में है, ग्रामीण वाले एरिया में हो और आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ यही ना बोला है कि रूरल एरिया में जो यूथ है उसके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोला, तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, और आप रूरल एरिया में रहते हो और आप एक यूथ हो, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, रूरल आ रहा है, यूथ आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आए, तो सब आप लोगों को क्या बोलेंगे, छी बोलेंगे, अरे ये क्या है, एकदम यूथ है, मतलब जवान है, इसके पास क्या है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो जैसे देखोगे ट्राइसेम, तो छी से छ, तो ट्राइसेम क्या था, फिर से बोलोगे, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और अगर आप यूथ हो तो सब लोग आपको क्या बोलेंगे, छी। तो जैसे ही देखेगा आपको ट्राइसेम, ट्राइसेम से याद आएगा आपको छी, क्योंकि मैं यूथ हूं और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो सब लोग छी करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आया। उसके बाद दो बैंक आप याद रखोगे, ठीक है, बैंक याद रखोगे नाबार्ड, ठीक है, और नाबार्ड आपको याद है, नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी आपका 1982 में 12 जुलाई आपको याद रखना, और ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ये दो बैंक का बारे में याद रखना है। और जो अब जो ये नेशनलाइजेशन है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखो, देखो पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, 14 बैंकों का हुआ, इसी तरीके से याद रखना है, इसको लिखना है, ठीक है, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है, 14th बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। और इसके साथ डायरेक्टली आप कोरिलेट कर लोगे, जब भी पढ़ना इसी तरीके से पढ़ना, 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, दूसरा जो नेशनलाइजेशन हुआ वो कब हुआ, सेकेंड टाइम कब हुआ, तो आपका सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में हुआ, इसमें क्या हुआ, 6 बैंकों का, ठीक है, सिक्स था और 6 था, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, ठीक है, और ये कब हुआ, 1980 में हुआ, ठीक है। एक बार मेरे साथ आप रिपीट करोगे, सबसे पहले जो सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान है उसका समय काल क्या था, 1980 से लेके 1985, पहला 6 है, 6 मतलब छी, तो ट्राइसेम याद रखोगे सबसे पहले, कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम कब आया था, रूलर थे, यूथ में थे, आपको सब लोग छी बोला, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। दूसरा मैंने क्या बताया था, कि जब भी आप याद करोगे दो चीज, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो पहला जो हुआ था चौथे के बाद हुआ था, फोर्थ फाइव ईयर प्लान में हुआ था, कब, 1969 में, फिर से चौथा में फिर से दो ऐड करोगे तो छठा 1980 में हुआ, वो क्या हुआ, तो आपका सिक्स मतलब 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ छठे मतलब सिक्स फाइव ईयर प्लान में, और 6 बैंकों का हुआ, सिक्स फाइव ईयर प्लान में 6 बैंकों का हुआ, ठीक है। और दो बैंक का आप और याद रखोगे, बैंक वाला जो मेनली जो आपको बात है याद रखना है, जो बैंक वाला जो बात आ रहा है वो छठा फाइव ईयर प्लान में आ रहा है, याद रखिएगा। जैसे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या छठा में आ रहा है, तो 1982। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टमेंट, ये भी छठा में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान याद रहेगा। 1984 में इंदिरा गांधी का डेथ हो गया, याद रखना, सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के समय काल में ही इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेवेंथ फाइव ईयर प्लान। देखो अब जैसे जैसे मैं आपको याद करवाऊं उसी तरीके से दिमाग में याद रखिएगा, नहीं तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए अब वहां क्या था, 1980 से लेके 85 मतलब 1980 से लेके 85, तो ये क्या होगा, 1985 से लेके 1990। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो सेवेंथ फाइव ईयर प्लान था उसका जो समय काल क्या है, 1980 से लेके 85, ठीक है, क्या है आपका, से लेके 85 जो इसका पहला समय काल आपको याद रखना है, क्या, 1980 से लेके 85, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मैं एक बार इसको करवा देता हूं, फिर से मैं आपको याद करवाता हूं कि इसको याद कैसे रखना है। अभी मैं जब क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर आखिर पढ़ाना क्यों इस तरीके से चाह रहे, सर इस तरीके से क्यों याद करवा रहे, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग सेवेंथ फाइव ईयर प्लान का हम लोग बात करते हैं, सबसे इसके समय काल याद रखेगा 1985 से 1990। पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि एक समिति आई थी, ठीक है, जिसको बोला जाता है लखरवाला कमिटी या समिति, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो लखरवाला कमिटी जो आया था वो क्यों आया था, तो जो गरीबी का
नापन के लिए, मापने के लिए, ठीक है। तो गरीबी के मापने के लक्ष्य वाला कमिटी कब फॉर्म हुआ था, तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपका 7th 5-year plan में क्यों आया था। तो गरीबी याद रखना, गरीबी 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 के मापन के लिए पहला कमिटी जो बनाया गया था वो 1989 में बनाया गया था और वो था आपका 7th 5-year plan में। दूसरा यहां है भोजन, काम और उत्पादन। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि भोजन, मैं अभी याद करवा दूंगा सब, अब दिमाग में मन बोला ड्रिल्ड करके जाऊंगा। देखो भोजन, काम और अनाज, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 5th 5-year plan में दिया गया था, ठीक है। आत्मनिर्भरता का बात कब किया गया था, 3rd 5-year plan में क्या किया गया था, स्थिरता के साथ, ठीक है, स्थिरता मतलब आत्मनिर्भरता वो भी स्थिरता के साथ, ये कब बात किया गया था, तो 4th 5-year plan में किया गया था। यहां क्या किया जा रहा है, और एक और, ठीक है, काम के बदले अनाज, ये कब किया गया था, तो 5th 5-year। अब बोलोगे सर कैसे याद रहा आपको, मैंने आपको बताया था कि 5th 5-year plan में क्या क्या मैंने बताया था, कि 5th 5-year plan में आते हैं आपके जितने भी नेतागण है, क्योंकि 5-5 साल में आपका क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है, तो जब वो आते हैं तो क्या बोलते हैं कि गरीबी हटा दूंगा, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5th 5-year plan में। आपको काम भी दूंगा और अनाज भी दूंगा, 5th 5-year बोलते ना, अरे आपको काम भी मिलेगा और अनाज भी मिलेगा, हमको वोट दीजिएगा, तो आप क्या बोलते हो, काम और अनाज, मतलब काम के बदले अनाज कब दिया गया, 5th 5-year पर। तो जैसे जैसे याद कर रहा हूं वैसे वैसे याद रखना है। देखो तो यहां है कि भोजन, काम और उत्पादन तीनों को ले लिया है, तो भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया था वो 7th 5-year plan, ठीक है। उसके बाद नील क्रांति, जैसे मैंने बताया था कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, हरित क्रांति जो आया था वो 3rd 5-year plan में आया था, याद करो 3rd 5-year plan में, याद रखिएगा। और मैंने क्या करवाया था, ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था 3rd 5-year plan में आया था। दूसरा मैंने क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस के फॉर्म में अपने आपको, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको अपने आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करना है, तभी चीजें याद रहेगा, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या बताया कि 3rd 5-year plan में क्या आया था, आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। दूसरा मैंने क्या करवाया था, ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था, विलियम गॉड ने यूज किया था। उसके बाद मैंने क्या करवाया था कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में किसको बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। उनको किस क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज मिला था, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का, तो शांति के क्षेत्र में मिला था 1970 में। और भारत में किसको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को, जिनको 2024 में क्या मिला है आपको भारत। तो पूरी इस तरीके से सोचना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइए तो भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7th 5-year plan, नील क्रांति 7, मैं अभी याद करवा दूंगा नील क्रांति, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताऊंगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 7th 5-year plan में ही हुआ था, बट इसको स्टेचुअरी बॉडी का दर्जा, स्टेचुअरी बॉडी मतलब क्या होता है, किसी अधिनियम के द्वारा, ठीक है, उसको जब मान्यता दिया जाता है तब वो स्टेचुअरी बॉडी बन जाता है, तो 1992 में ये स्टेचुअरी बॉडी बन गया था, ठीक है। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना भी जो आया था आपको 7th 5-year plan। अब बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, हम आपको याद करवाते हैं, देखो इसको कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले समय काल तो आपको याद रखना है 1985 से 1990। अब देखो यहां बात आ रहा है सेवन मतलब सात, सात मतलब हम साथ साथ है, ठीक है, क्या है, हम साथ साथ है। तो अगर हम साथ साथ हैं तभी तो गरीबी, अगर घर का एक आदमी कमाएगा तो क्या गरीबी आप मिटा सकते हो, नहीं, आपको गरीबी, गरीबी से निकलना है, ठीक है, और ऊपर बढ़ना है तो हर लोगों को, घर का हर लोगों को काम करके क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो सिंपल याद रखना कि साथ अगर रहेंगे तो गरीबी, साथ मिलकर काम करेंगे तो गरीबी हटाया जा सकता है। तो गरीबी का जो मापन हुआ था, इसे पहली बार जो गरीबी का मापन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 7th 5-year plan में हुआ था, और लक्ष्य वाला कमिटी 1989 में, और याद रखिएगा 1989 में बना था और 1993 में ये अपना रिपोर्ट दिया था। तो याद रहेगा, साथ रहेंगे तो गरीबी घटाया जा सकता है, फिर गरीबी से गरीबी मापन 1989 याद है। दूसरा देखो यहां क्या है, भोजन भी ले लिया, काम भी ले लिया, उत्पादन भी ले लिया, मतलब तीनों चीज ले लिया, हर एक चीज ले लिया, भोजन भी देगा, काम भी देगा और उत्पादन के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब काम, भोजन, उत्पादन तीनों ले लिया, मतलब साथ कर दिया, तीनों चीज को साथ कर दिया, काम, भोजन, उत्पादन, तो तीनों चीज एक साथ ले लिया, काम, भोजन, उत्पादन, तीनों चीज को ले लिया, तो ये भी कहां आएगा, काम, भोजन, उत्पादन का नारा 7th 5-year plan। उसके बाद नील क्रांति, नील क्रांति मतलब क्या, मछली पकड़ने जाओगे, अकेले तो नहीं जाओगे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ही जाओगे, तो मछली पकड़ने गए, मछली मतलब, क्योंकि जो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन आया था उसमें मेन फोकस था कि जो मछली का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो जब सिंपल सी बात है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, नीली क्रांति, तो दोस्तों के साथ ही ना मतलब साथ में जाओगे मछली पकड़ने, साथ में, तो 7
ठीक है। उसके बाद है आपका, याद रखिएगा, सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी जो कि 1998 में बना था, तो याद रखिएगा सेबी पूछा जाएगा, ठीक है। तो सेबी, तो कैसे याद रखोगे, देखो कैसे याद रखा है मैंने, ठीक है, कि पूछा जाएगा कि सेबी कौन से 5 ईयर प्लान में बना था, तो आपको याद रखना है सेबी। तो जो जब साथ रहोगे ना तो सेफ रहोगे, बोलते हैं सेबी से आप सेफ कर लेना, तो साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, तो साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। तो जैसे बोलेगा सेबी, सेबी से सर ने बोला था सेफ, सेफ रहेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो 1988 में बना था आपका सेबी, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे एकदम याद रखना है, ठीक है। और इसको 1992 में याद रखिएगा, स्टेचुरी का दर्जा दे दिया गया था एक अधिनियम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दो, पिता और बेटी, पिता और बेटी साथ में आ गए, पिता और बेटी साथ में आ गए, मतलब जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार, तो जवाहर, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों जो है आपका साथ में, अरे पिताजी और उनकी बेटी है, ठीक है, तो दोनों साथ में आ गए, दोनों क्योंकि पिता है ना उनकी बेटी है, तो 1989 आपको याद रखना है, 1989 में आया था रोजगार आपका जवाहर रोजगार योजना, और 1984 में किसका डेथ हुआ था, इंदिरा गांधी का, 1984 में उनका डेथ हुआ और 1985 में उनके नाम पे ही क्या बना दिया गया, घर बना दिया गया 1985 में आपका इंदिरा आवास योजना। आसान है याद करना, मैं फिर से आप जल्दी से एक बार रिवीजन करते, देखे याद रहेगा आपको। अगर मैं बोलूं कि 7th 5-year plan तो क्या क्या दिमाग में, 7th मतलब साथ, साथ में कौन आ गया, बेटी और पिता दोनों आ गए, मतलब जवाहर रोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना, ठीक है। डेट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, 1984 इंदिरा आवास योजना और आपका 1989 आपका जवाहर रोजगार योजना, डन हो गया। उसके बाद साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, डेट मीन सेबी, सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ, 1988, स्टेचुरी का दर्जा 1992, याद हो गया। उसके बाद मैंने और क्या बताया था आपको, लखरवाला, ठीक है, साथ रहोगे तो गरीबी को कम किया जा सकता है, ठीक है, साथ रहोगे तो गरीबी को कम किया जा सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भोजन, काम और उत्पादन का नारा, ये चीज आपको याद रखना है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा, ये भी चीज आपको याद रखना है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा अच्छे से याद रखना है, ये भी आपका 7th 5 की भोजन, काम, उत्पादन सबको ले लिया, ठीक है। तो ये समझ में आया 1985 से 1990। अब देखो इसके बाद क्या होता है आपका तीसरा, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, अभी ना मैंने आपको समझाया, देखो थोड़ा दिमाग रखना पड़ेगा खोल के, ठीक है, ताकि चीजें आपको याद आए। तीसरा, सबसे पहले जो योजना आपका आया था वो 3rd 5-year plan के बाद आया था, इसके बाद 2 आपने ऐड किया, 5th 5-year plan के बाद आया था, उसके बाद फिर से 2 ऐड किया, तो 7th 5-year plan के बाद योजना अवकाश आया था। तो 7th 5-year plan के बाद 2 साल का योजना अवकाश आएगा, वो कब आएगा आपका 1990 से 1992। तो याद रखेगा ये तीसरा योजना अवकाश काल था, तीसरा योजना अवकाश या प्लान होलीडेर, टोटल 3 आए हैं, पहला तीसरे के बाद, उसके बाद फिर से 2 ऐड किए 5वें के बाद, फिर से 2 ऐड किए 7वें के बाद, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो समय काल था 1990 से 1992 का जो समय था, ये योजना अवकाश 2 साल का चला। अब यही समय काल में क्या होता है, क्योंकि स्थिति खराब होता है देश का, ठीक है, देखो जब 5 साल का नहीं चल रहा, 1-1 साल का चल रहा है, दैट मीन्स हमारा जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो रुका हुआ है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, आर्थिक जो विकास है, उस तरीके से हो नहीं रहा है। इसीलिए क्या होता है 1991 में, याद रखिएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाता है, नया आर्थिक नीति लाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। किसके समय में कौन PM कौन होता है, तो PV नरसिम्हा राव। LPG का कंसेप्ट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दरोगा में हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। LPG का कंसेप्ट इस बार भी बना हुआ था, इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। देखिए तो LPG मॉडल का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, LPG मॉडल टू डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। LPG मॉडल क्या था, तो न्यू इकोनॉमिक एक पॉलिसी था, नया आर्थिक पॉलिसी था, ठीक है, नया आर्थिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। कब आया, तो याद रखिएगा 1991 में आया, ठीक है। किसके समय में आया, तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में आया। इस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आखिर इसमें बात क्या किया गया, तो आप देख रहे हो कि 1990 से 1992 में क्या चला, योजना अवकाश चला, मतलब कंडीशन खराब है, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, नया आर्थिक नीति लाया गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, 3 वर्ड को दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, दैट मीन्स उदारीकरण, उदारीकरण मतलब जो भी कंपनी है उस पर ज्यादा टैक्स या ज्यादा, बोलते ना उसमें बहुत सारा, बोलते ना कि गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन ना लगाया जाए, ठीक है, उनको रूल एंड रेगुलेशन
कम लगाया जाए, टैक्सेस पे भी कम हिसाब से ही डाला जाए, ताकि वो कंपनी डेवलप हो, और कंपनी डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा, ठीक है, जीडीपी डेवलप होगा। तो पहला था उदारीकरण, दैट मींस लिबरलाइजेशन, मतलब जो भी निजी कंपनी है उस पर थोड़ा कम गवर्नमेंट का प्रेशर हो, कम उसमें बंदिश में वो रहे। उसके बाद था आपका निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत ये दिया गया कि प्राइवेटाइजेशन मतलब और कंपनी भारत में आइए, अपना प्लांट लगाइए, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्शन के, मतलब प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत ये क्या। ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता है, वैश्वीकरण मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी इम्प्रूव करना, जितना मैंने यहाँ बोला है ऐसे ही नहीं बोला है। लिबरलाइजेशन का मतलब पूछा गया था, प्राइवेटाइजेशन का मतलब इसमें क्यों प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको समझ के रखिएगा। तो याद रखिएगा एलपीजी का कंसेप्ट कब आया, 1991 में आया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका 8-5 ईयर प्लान, ठीक है, कौन सा आता है 8-5 ईयर प्लान। अब 8-5 ईयर प्लान जो आता है आपका, वो जो आता है आपका, मैं याद करवाते हुए जाऊंगा 1992 से 1997, क्योंकि इससे पहले दो साल जो था आपका क्या था, योजना अवकाश था। तो 1992 से 1997, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 68 में, कि मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कब बात किया गया, क्या था ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन अगर हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में तो एच लिखते हैं, एच को ऊपर कर दोगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो, जैसे एच लिखते हैं ना ऐसा, तो इसको अगर ऊपर कर दोगे तो ऐसा ये 8 बन जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो बात किया गया था 8वां, ऐसे बस हमने जब याद किया था इस तरीके से किया, आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन मानव संसाधन विकास, ठीक है, मानव संसाधन विकास पर इस पर बात किया गया था 8वां पंचवर्षीय योजना में, अब याद करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, इस पर बात किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, याद रखिएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वां पंचवर्षीय योजना में आया था, बट याद रखिएगा जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में आया था वो 7वां में आया था, क्योंकि बाप और बेटी साथ में आए थे, सातवां, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद याद रखिएगा यही समय था जब आपका WTO का फॉर्मेशन होता है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में। तो यही समय काल था, ठीक है, जो 8-5 ईयर प्लान में, और इसका मेंबर इंडिया जो था जब फॉर्म हुआ था तभी इसका मेंबर बन गया था 1 जनवरी 1994 में। और मिड डे मील जो स्कीम है वो भी स्टार्ट किया गया था आपका 8-5 ईयर प्लान। अब याद कैसे रखना है देखिए, बस हो गया, अब ज्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ये जो मेन मेन था हमने पढ़ लिया। देखिए 8-5 ईयर प्लान सबसे पहले क्या आया, देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 8 से ह्यूमन, ठीक है, तो 8-5 ईयर प्लान कम 1992 से 1997। दूसरा आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था, 2 अक्टूबर 1993, और मैंने अभी आपको करवाया था कि लखरवाला जो समिति था वो जो कि आपका 7th 5-year plan में आया था गरीबी का मापन के लिए, वो जो अपना रिपोर्ट देता है वो 1993 में ही देता है, याद रखिएगा, ठीक है। और WTO का फॉर्मेशन हुआ, और मिड डे मील, मिड डे मील कहाँ दिया जाता है आपको याद रखना है, कब आया था 1995 में आया था, और सुबह के 8 बजे, बोलते ना एकदम सुबह सुबह 8 बजे एकदम बच्चों को खाना मिल जाना चाहिए, नहीं तो उनको क्या हो जाएगा, कुपोषण से आपका ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशनल क्या हो जाएगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो 8 बजे, तो 8 बजे एकदम मिड डे मील मिल जाना चाहिए, 8 बजे मिड डे मील मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था बस, इसमें इतना याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 9th एंड 10th। देखिए 9वां का अगर हम लोग बात करें तो ये था 1997 से 2002। देखो इसमें जो सबसे अभी तक जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का बात किया गया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि समाज में क्या अभी सोशल जस्टिस मिल पा रहा है, सामाजिक न्याय सबको मिल पा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, सबको जस्टिस कहाँ मिल पा रहा है, पैसे वाले अभी भी रूल कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है, हमारे लिए कानून है, बट अगर हम लोग देखें कि बड़े लोगों के लिए, ठीक है, वो कानून को अपने पैसे से दबाने की कोशिश, तो न्याय अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, बट हाँ इसको और बेटर बनाने की कोशिश हमें करना है, और कौन करेगा, आप लोग करोगे, जितने जो दरोगा लोग अभी गए हैं, ठीक है, सबको क्या पढ़ाया गया, सबको प्रण लिया गया है, ठीक है, कि वो घूस नहीं लेंगे, ठीक है, और क्या क्या करवाया गया है, वो दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, अब वो कितना फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर है, शपथ तो उन्होंने ले लिया, ठीक है। अब आप देखिएगा कि आपके इलाके में कितने ऐसे नए दरोगा हैं जो बिना दहेज लिए शादी करते हैं, ठीक है, आपको ये देख के रखना है, उसी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि देश किधर जा रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं
कि 9th 5 ईयर प्लान मैंने बोला 1997 से 2002, ठीक है, 1997 से 2002। तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड, मतलब सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। तो क्या सामाजिक न्याय मिला? तो आपने बोला नो, तो नो से नो। याद रखना, ये बहुत 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 बार पूछा गया कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, क्या सामाजिक न्याय मिला है, क्या समानता हुआ है, नहीं हुआ है, तो नो, याद रखना। दूसरा आपको याद रखना, जो 9th 5 ईयर प्लान था उसमें सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट होता है। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? फिर से इसी तरीके से याद रखना, जैसे बैंक वाला मैंने जैसे ही आपको याद करवाया ना कि पहला जो बैंक, आपको याद रखना कि पहला नेशनलाइजेशन हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट जो हुआ 6th 5 ईयर प्लान में हुआ। उसी तरीके से इसको भी याद रखना, जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था, जो कि क्या था आपका 1969 से लेके 74 तक, ठीक है, क्या था ये? 4th 5 ईयर प्लान था। तो जो पहला हुआ था वो क्या हुआ था? 1974 में हुआ था, याद है। अब जो दूसरा जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है, सेकेंड पोखरण टेस्ट जो होता है, ये होता है आपका 1998 में। कब होता है? 11 मई को होता है। इसीलिए हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, पोखरण 1 जो हुआ था वो 1974 में हुआ था, उसका कोड नेम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, कहां? राजस्थान के पोखरण 1 पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में। जो आपका दूसरा जो होता है, तो पहला जब हुआ ना तो सब लोग ये हो गया, अरे क्या हो गया, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ सब लोग देख के बोला अरे यार ये तो बहुत भयानक चीज है, मानवता के लिए ठीक नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए अब ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये नहीं होना चाहिए, तो दूसरा वाला जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, मतलब 9वां में हुआ, नहीं मतलब नो, तो दूसरा वाला 9वां में हुआ। कब हुआ? 1998 11 मई को। इसका नाम क्या था इस न्यूक्लियर टेस्ट का? पोखरण 2, जिसको कोड नेम दिया गया था शक्ति, ठीक है, तो याद रखिएगा शक्ति। और इसी समय जो आपका 9th 5 ईयर प्लान था, इसी समय क्या होता है? कारगिल वार होता है, और सर्व शिक्षा अभियान जो आपको स्टार्ट किया जाता है 2001 और 2002 के बीच में, ये भी आपका 9th 5। अब 9th 5 ईयर प्लान कैसे याद होगा? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सामाजिक न्याय के साथ, ठीक है, तो सामाजिक न्याय मिला? नहीं मिला, नो, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट होना चाहिए, तो आपने बोला नो, तो ये भी आपका 9th 5 ईयर प्लान। क्या सबके पास शिक्षा मिल गया है? सबके पास शिक्षा है, सर्व शिक्षा का बात कर रहा है, क्या सबके साथ शिक्षा है? तो आपने बोला नो। इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कितना लूट लोगे, ठीक है। और कारगिल देखो, बस इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप 12 से 13 सब्जेक्ट लेके बैठोगे, ठीक है, तो जब आप 5 ईयर प्लान में पहुंचोगे, तो जो नहीं पढ़े हुए हैं, जो रट के गए हुए हैं, जो सीधा रटे हुए हैं, ठीक है, तो उनको लगेगा अरे अब क्या होगा, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उनको लगे। बट जब आप पढ़ोगे, उन्होंने सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, हंसते हंसते हम भी इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर शिक्षा अभियान, ठीक है, तो याद रहेगा, अभी बिल्कुल याद रहेगा, अभी क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब जो 9th हो गया, 10th वाला हम लोग बात करते हैं। देखो 10th 5 ईयर जो प्लान आया था 2002 से 2007 तक आया था, ठीक है, इसका जो मेन फोकस था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 10वां है, और 10वां में क्या बात किया गया कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय जो है दुगनी करना है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में यह बात किया गया कि अगले 10 वर्ष में जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जो है डबल करना है, तो 10वें में ही बात किया गया था, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। जहां जहां जो जो बोला उस पर ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान, मैंने आपको 11th 5 ईयर प्लान में बताया था एक चीज, जब मैं इससे पहले पढ़ा था, कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल रहा था वो 11th 5 ईयर प्लान रहा था, और जो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्लान रहा था वो 3rd 5 ईयर प्लान रहा था, तीसरा वाला। तो पूछा भी जाता कि कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रोथ रेट जो था सबसे ज्यादा था, तो 11th। कैसे याद रखोगे? एक एक करके बढ़ रहा था, एक एक करके बढ़ रहा था, एक एक करके बढ़ा था, एक एक 11, ठीक है, एक एक करके। और सबसे जो अनसक्सेसफुल था, तो तीसरा आपको याद रखना है, मैंने बताया था 1962 में क्या होता है, 1962 में आपका इंडिया और चाइना का वार हो जाता है, 1965 में क्या होता है आपका इंडिया और पाकिस्तान का, 1966 में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, याद रहेगा वो सब। तो सबसे पहले 11th 5 ईयर प्लान का बात करें तो क्या है, 2002 से 2012, ठीक है, इसका जो मेन याद रखना क्या था, तो 11th और 12th का ऑलमोस्ट जो थीम था, जो फोकस था, वो सेम ही था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास। इसमें भी था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, सतत विकास यहां आ गया था, बस इतना याद रखना। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब समझते हो कि किसी भी चीज का विकास हम इस तरीके से करें ताकि जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनके पास भी कुछ चीज बचे।
ऐसा नहीं कि हम विकास के धुन में इतना पागल हो जाएं कि हम अपना पूरा एनवायरमेंट ही खत्म कर दें और जो आने वाला जो हमारा भविष्य है उसके लिए कुछ है। तो विकास इस तरीके से होना चाहिए ताकि एनवायरमेंट भी क्या हो, सेफ रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, सतत विकास। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे ज्यादा जो ये योजना में अधिकतम जो वृद्धि हुआ था वो 11th फाइव ईयर प्लान में होता, बस इतना याद रखना, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो था 11th एंड 12th का ये था, ठीक है। चलिए हमने ये फिनिश कर लिया, इसके लिए क्लैप, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको दिमाग में देखूंगा कितनी चीजें आपको याद है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि छोड़ के मैं जाऊंगा आपको कि पढ़ लो, नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके सामने चीजों को करवाऊंगा। देखो सबसे पहला था कि काम के बदले अनाज, अब याद करो, काम के बदले अनाज मिलेगा, काम के बदले अनाज मिलेगा, कौन सा, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, कौन सा, पांचवा, इसमें आप क्या क्या था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, क्या क्या इसमें बात किया गया था। सबसे पहले फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में क्या था, मैंने क्या बताया था, कौन सा, नेताजी, नेताजी 5 साल के बाद आते हैं नेताजी और अपना डीपी दिखाते हैं, उसके पहले आपका चेहरा देखते हो, उनका नहीं देखते हो, 5 साल बाद ही देखते हो, तो डीपी धर मॉडल पे था, याद करो, ठीक है, देखता हूं कितना आपको चीजें याद है, डीपी धर मॉडल पे था। दूसरा मैंने बताया था जब वो आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे सबके लिए गाँव में रीजनल, मतलब रीजनल सबके गांव में क्या होता है, रीजन में एक एक बैंक बना दूंगा, तो रीजनल रूरल बैंक का जो स्थापना हुआ था, RRB जिसको होता है रीजनल रूरल बैंक का जो स्थापना हुआ था वो पंचवर्षीय, और उन्होंने क्या बोला था, गरीबी हटा देंगे, गरीबी गरीबी हटा देंगे, 5 वर्ष में गरीबी हटा देंगे, तो पंचवर्षीय ये गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में दिया गया था, ठीक है। काम के बदले अनाज, काम भी मिलेगा अनाज भी मिलेगा और गरीबी भी हटा दिया जाएगा, नेताजी ने कहा था 5 साल के बाद जब आए थे, तो ये सब जो था आपका फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में था, याद रहेगा ये सब चीज बहुत अच्छे से मैंने कहा था। और मैंने एक चीज और करवाया था, ये ऐसा फाइव ईयर प्लान था जो था तो पांचवें नंबर का, बट ये 1 साल पहले ही खत्म हो गया था, तो ठीक है, मजा आया, चलिए मजा आना चाहिए। उसके बाद ट्राइसेम आ गया, ट्राइसेम, ठीक है, ट्रेनिंग फॉर रूलर यूथ, ये सब, और एक चीज, ये सब क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। तो ट्राइसेम, ट्रेनिंग फॉर रूलर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो यूथ हो और इम्प्लॉयमेंट भी नहीं, तो सब लोग क्या करेंगे, कौन से चीज से रिलेटेड ये बताओ। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ट्रेनिंग फॉर रूलर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो रूलर मतलब ग्रामीण का बात किया जा रहा है, तो क्या रक्षा विकास से था, नहीं था, शहरी विकास से था, नहीं था, औद्योगिक विकास से था, नहीं था, ये ग्रामीण विकास था, ग्रामीण जो ग्राम मतलब जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो यूथ रहते हैं उनके लिए था। और कौन से फाइव ईयर प्लान में आया था, तो आपको बोलना है ये आया था आपका छठा फाइव ईयर प्लान में आता, सब लोग छी छी बोल रहे थे आपको इंप्लॉयमेंट नहीं मिला था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का निर्णय लिया गया, अब याद करो मैंने क्या बोला था, दो लोग मिलेंगे तभी ना सोशल, सोशल मीडिया पे क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, ठीक है, तो सोशल समाज, समाज कब मिल, समाज कब बनता है, जब दो लोग मिलके बात करेंगे तभी ना समाज के बारे में दो लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ठीक है समाज में ऐसा हो रहा है, नहीं हो, या दो सोशल, याद रखो सोशल मीडिया पे दो लोग मिलते हैं, तो सोशल सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, समाजवादी समाज का जो स्वरूप का जो बात किया गया था, जब दो लोग मिलेंगे तभी ना सोशल मीडिया पे बातचीत होगा आपका, ठीक है। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना, और अब याद करो कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना से मैंने आपको क्या क्या करवाया, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, दो चीज को हम लोग मिक्स करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का भी जो हमने बात किया था, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का भी जो हमने बात किया था वो सेकंड फाइव ईयर प्लान में किया था, ठीक है, सेकंड फाइव ईयर प्लान में। आप सेकंड फाइव ईयर प्लान का जल्दी से टाइम पीरियड बताओ तो मुझे, 1951 से 56 फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, ठीक है, और 1951 से 56, 56 से 61, तो 1956 से 61 ये क्या था आपका, सेकेंड फाइव ईयर प्लान था, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का बात किया गया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात किया गया था, समाजवादी समाज का बात किया गया था, प्लस ये कौन से मॉडल पे था, तो सेकेंड हैंड में पीसी नहीं लूंगा, तो पीसी महालनोबिस के ये पे था, ठीक है, मैंने बताया था कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाते हैं, क्या वो 29 जून को हम लोग मनाते हैं, मुझे बताइएगा क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तीन क्वेश्चन हुआ आपका, यहाँ मजा आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का बात कब किया गया था, मैंने बात ही बताया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो दो चीज को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो सेकंड, ठीक है, तो पहली बात सेल्फ रिलायंस, अब याद रखना यहाँ पहली बार बोला जा रहा है, क्योंकि जो सेल्फ रिलायंस का जो बात किया गया था दो पंचवर्ष योजना में किया गया था,
तो पहली बात आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस का उद्देश्य पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना में बात किया गया था, तो जो पहली बार जो किया गया था, ठीक है, सेल्फ रिलायंस का जो बात किया गया था, पहला में क्या था, एग्रीकल्चर पे फोकस था, कृषि पे फोकस था, दूसरा में क्या था आपका, इंडस्ट्री पे फोकस था, तीसरा में क्या हुआ, इंडस्ट्री में गया तो क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, काम करने लग गया, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तीसरा पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, तो 1961 से लेके 66, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, सेल्फ रिलायंस का बात किया गया था, मतलब आत्मनिर्भरता का बात किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ था, याद करो, ठीक है, दूसरा क्या हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट जो फॉर्म हुआ था वो 35-year प्लान में हुआ था, और मैंने तीसरा से और आपको मैंने क्या करवाया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो 35-year प्लान में, याद करना है, ठीक है, दिमाग पे थोड़ा थोड़ा जोर डालना है। उसके बाद है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें जो कृषि का जो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ था वो नेगेटिव में था, जल्दी से बताइए, तो कौन था, मैंने अभी बताया था, वो है आपका 35-year प्लान, मोस्ट अनसक्सेसफुल जो प्लान था वो यही था। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता पहले भी आया, पहली बार, बट यहां आ रहा है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, मैंने क्या बोला था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, कौन सा, तो 4th 5-year प्लान, कौन सा, 4th 5-year प्लान, ये कब से आया था, लिखते हुए जाना है, ठीक है, 1969 से 74, ठीक है, इसमें ही क्या हुआ था, तो 1969 में क्या हुआ था, 1969 से 74, क्या था, 1969 से 74, ठीक है, ये था, और मैंने आपको बताया था 1969 में क्या हुआ था, एक तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, 1969 में क्या हुआ था, तो और मैंने आपको बताया था कि इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, 1974 में क्या हुआ था, तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, ये सब आप चीज को करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ठीक है, खदान उत्पादन तेजी, ठीक है, लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खदान हो गया, कार्य हो गया, उत्पादन भी हो गया, मतलब क्या, तीनों ले लिया, खाद्य, कार्य और उत्पादन, तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसमें तीनों चीज पे एक साथ फोकस किया गया था, खाद्य मतलब फूड, वर्क और प्रोडक्शन पे, तीनों पे किया गया था, तो साथ में जब तीनों ले लिया है तो सप्तम, सप्तम मतलब 7th 5-year प्लान, और 7th मैंने क्या बताया था, साथ आ गए थे पिता और बेटी, तो 1789 में क्या हुआ था, तो आपका जवाहर रोजगार योजना आया था, ठीक है, सॉरी 1989 में क्या आया था, तो जवाहर रोजगार आया था, 1984 में क्या आया था, तो इंदिरा आवास योजना आया था, ये हो गया, फिर से साथ में क्या हुआ था, गरीबी को आपने हटाया था, तो लखरवाला कमेटी आया था, तो इस तरीके से याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, मानव संसाधन, तो मानव संसाधन मैंने अभी बताया था, ये था आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है, 5th है 1st है 2nd है, आई थिंक इसका ऑप्शन में 8th होगा। मानव विकास का जब बात किया गया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जब बात किया गया था, वो जो था 8th 5-year प्लान में था, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, याद रखिएगा, ये 8th 5-year प्लान था, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि भारत में रोलिंग प्लान, ठीक है, भारत में रोलिंग प्लान कब आया था, आपको बताना है, 1978 में आया था, 1965 में आया था, 1993 में आया था, 1998। अब देखो 1998 में, ठीक है, 1998 में क्या होता, ठीक है, तो बताओ, तो ये क्या हुआ था, आपका सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, ठीक है, 9th 5-year प्लान में, नाम क्या था, शक्ति। 1993 में क्या हुआ था, याद करो, तो पहले तो लखरवाला समिति ने क्या किया था, अपना रिपोर्ट दिया था, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, जो आया था 1993 में आया था। 1965 में क्या हुआ था, तो मैंने बताया था 1965 में मैंने आपको क्या बताया था, FCI का फॉर्मेशन हुआ था, और मैंने आपको क्या बताया था 1965 में कि जो आपका FCI के साथ साथ BSF का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे 1978 में क्या हुआ था, तो वो आप कमेंट कर देना कि क्या होता था, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो 5-year प्लान आपका कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चंस यहां से आने का संभावना होता है किसी भी एग्जाम, बाकी 1 से 2 क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास, कैसा लगा मेरा एफर्ट, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगे तो बट वीडियो देख जरूर लीजिएगा, ड्रीम डोज वाला, ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो से आपके क्वेश्चन आएंगे। कुछ भी जो वीडियो डालता हूं वो आपके लिए होता है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है, अगर अभी तक नहीं जुड़े, और टारगेट है कि मुझे बिहार में दरोगा बनना है। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।